नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत दे दी है। साथ ही उन्हें तत्काल निलंबित करने की भी मांग की गई है। निशांत का आरोप है कि संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ पैसे लेती है। उनके आरोपों अनुसार महुआ ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली है। साथ ही भाजपा सांसद ने यह भी दावा किया है कि दोनों के बीच नगद और उपहारों के रूप में आदान प्रदान भी हुए हैं। निशिकांत के आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को अडानी मामले में जांच के बाद फुर्सत मिले तो वह उनके पास आकर जांच भी कर सकते हैं। निशिकांत दुबे के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से निर्वाचित फायर ब्रांड महिला सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने निशिकांत पर फर्जी डिग्री रखने का भी आरोप लगाया था। आपको बता दें कि मार्च महीने में महुआ ने निशिकांत पर एमबीए और पीएचडी की फर्जी डिग्री रखने के आरोप लगाए थे। तृणमूल सांसद ने कहा कि भाजपा के कई अन्य दिग्गजों के खिलाफ भी विशेषाधिकार उल्लंघन के कई मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर को उनकी शिकायतों पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर जब उनकी शिकायतों पर कार्यवाही कर ले उसके बाद वह अपने खिलाफ किसी भी कार्यवाही को मंजूर करेंगी। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे का पत्र उसी दिन आया है जिस दिन महुआ मोइत्रा की शशि थरूर के साथ टोस्ट उठाते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। उस पर भी तृणमूल सांसद ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि बंगाल की महिलाओं की अपनी जिंदगी है और इसमें कोई झूठ नहीं है। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।